नमस्कार दोस्तों, जनरल नाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। आधुनिक भारतीय इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 है, तो आज उसके बारे में डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की, मतलब 1945 में अब कौन बन गए, एटली बन गए, ठीक है। और नौसेना प्रधानमंत्री बन गया एटली, ठीक है। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, ठीक है। किसने? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री जो उस टाइम थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये थे। और अन्य सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर। इसमें जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे, ठीक है। और अध्यक्ष तो भारत मंत्री थे ही, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कौन सी? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को। प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को आ बा और सा तीन श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इनके प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? भारत की एकता बनाई रखी जाए, ठीक है। सेकंड क्या था? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग है, ठीक है, उसको क्या ठुकरा दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी, मतलब एक संघ होगा जिसमें क्या होगा, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं या देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन होगा वो प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे उनसे किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें बोर्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे, ठीक है। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। अच्छा, देखिए, क्रिप्स मिशन के विरुद्ध में थे, उन्होंने पोस्टेड चेक कहा था, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे गांधी जी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और आया कब था? कौन सी डेट को आया था? 24 मार्च 1946 को आया था दिल्ली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फर्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पैथिक लॉरेंस थे, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो सर पैथिक लॉरेंस ए हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, बेवेल नहीं थे, ठीक है। बेवेल एटली के पहले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में 24 मार्च 1946 को। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो इनमें से कैबिनेट मिशन ने किया था, ठीक है, डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड और पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तरह प्रांतों को आ वा और सा तीनों श्रेणियों में विभक्त किया। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे और क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से जॉन साइमन नहीं थे, ठीक है। साइमन तो ऑलरेडी बहुत ही पहले आए थे 27 में।
नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसने अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों में मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना चाहिए, उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो ये कैबिनेट मिशन का है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ये प्रस्ताव क्या थे, भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी इन्होंने, तो सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सही नहीं बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा ग्रहण किए जाने थे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के पुनर्गठन की, तो ये कैबिनेट मिशन ने दिया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा क्या है इसमें, कैबिनेट मिशन 1946 के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें एक संघीय सरकार की सिफारिश थी, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने ICS में और अधिक भारतीयों को बंद किया था, तो इसमें केवल एक होगा, संघीय सरकार की सिफारिश की थी। ठीक है, देसी रियासत है, ब्रिटिश प्रांत होंगे जिसमें सम्मिलित। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई, चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भारत की एकता और बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवल और शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में, अच्छा शायद मैंने इसमें ये बेबल को प्रधानमंत्री बोल दिया था, बेबल प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम ब्रिटिश के, बेबल उस टाइम भारत के गवर्नर थे। ठीक है, इस चीज़ के लिए, तो इसमें क्या था कि शिष्टमंडल ने जो अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया था, 16 मई 1946 को इन्होंने कुछ जो भी इन्हें सुझाव थे या योजना थी उसको प्रकाशित किया। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव क्या थे, भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतों को एक मिलाजुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे, उनके लिए कर लगा सके। नेक्स्ट है, संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए, प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियाँ उन्हीं के पास हों, प्रांतों को छोटे और बड़े गुट बनाने का अधिकार हो, इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। इसमें प्रांतों को तीन वर्ग आव और सा में बांटने की बात कही गई, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास ने बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा वर्ग आ में होंगे, उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब सीमा प्रांत और सिंध वर्ग बा में होंगे तथा वर्ग सा में बंगाल और असम होंगे। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियाँ और ICS में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत में आया तो कब आया, 46 में आया था, 24 मार्च 1946 को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, कोई भी नहीं है इसमें आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। ठीक है, लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे उसमें। कैबिनेट मिशन का को बहुत अनिच्छा कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के ना मानने पर कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अनिच्छा के साथ स्वीकार किया। ठीक है, कैबिनेट मिशन 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि सामूहिकरण अनिवार्य नहीं है, समूह बा और सा के राज्य असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया।
इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी थे, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इन्होंने क्या बोला था गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा था कि यह योजना पूरी तरह से, इस योजना के संदर्भ में गांधी ने कहा यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। नेक्स्ट, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की हैं? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे उस टाइम के अध्यक्ष। ठीक है, 41 से लेकर 45 तक, फिर 46 में चेंज हुए। अबुल कलाम आज़ाद 40 से लेकर 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड बेबल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। ठीक है, तो अब आ जाते हैं संविधान सभा पे। ठीक है, तो संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन? 1895 के स्वराज विधेयक में। ठीक है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो फिर सर्वप्रथम संकेत किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, 20वीं सदी में, और जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1922 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की प्रस्तुति की। ठीक है, इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। कहाँ पे की गई अर्थ और महत्व की व्याख्या? ये की गई फैजपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत के कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 1,000,000 लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात के में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। तो क्या था? प्रत्येक प्रांत को 1,000,000 लोगों के लिए एक प्रतिनिधि था। ठीक है, और मतदाताओं में केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जुलाई 1946 में हुए थे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए थे। ठीक है, और संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और तथा 15 अन्य दलों स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था इसका। इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जो कि दिल्ली में हुई, और इसमें अस्थाई
अस्थाई से अब स्थाई सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हो गई, ठीक है, ये निर्वाचित हो गए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1946 को 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, ठीक है, गठन के समय संप्रभु नहीं थी। और इसके अलावा आप लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं, डेट वगैरह सबका दिया जाता है उसमें। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली एवं स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जी बी मावलंकर ने संभाला था, ठीक है, स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद, ठीक है। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 में से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन मानते हैं, किसको कहा जाता है, जी बी मावलंकर को, ठीक है। वर्ष 1952 में से 1956 तक ये रहे लोकसभा के अध्यक्ष। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो आई आंसर क्वेश्चन आंसर देखते हैं प्रश्न को। फर्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किस में प्रस्तुत किया गया था, तो ये स्वराज का 1936 में फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस पार्टी ने 1936 में दिया था, ठीक है। फैजपुर देख लेते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में हुआ था, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत जो है महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है वो एम एन रॉय ने किया था, और मूर्त रूप जो दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर उसके बाद 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। उल्लेखनीय है कि यह विकल्प में स्वराज पार्टी के वर्ष 1934 में होता तो 34 सही होता, ठीक है। और रांची में स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था और उसने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी, ठीक है। कहाँ पे, रांची में एक स्वराज पार्टी हुई थी गठित। नेक्स्ट है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था तो किसके तहत किया गया था, ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतर्गत किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसमें तीन थे, कौन कौन, पैथो लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसमें से जो अलेक्जेंडर थे वो हमारे क्या थे, भारत सचिव थे, ठीक है, उस टाइम इंडिया के। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो थे सर पैथिक लॉरेंस को यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का विचार आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो ये 1,000,000 व्यक्ति था और जिसमें तीन ही उसका था, मुस्लिम और एक आम वर्ग और सिख, ठीक है, तीन वर्ग माने जाते थे मतदाओं के इसमें। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, कहाँ पे नहीं, कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसके बाद 11 को हुआ था और उसके बाद 13 को हुआ था। तो जो पहला हुआ था 9 दिसंबर को, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। फिर 11 दिसंबर से राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें, ठीक है, स्थायी सदस्य चुने गए थे 11 दिसंबर से। दूसरी बैठक में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें
नेक्स्ट है भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा राजेंद्र प्रसाद थे प्रभुसत्ता संपन्न, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। देखिए इसमें प्रभुसत्ता संपन्न बोल रहा है, संप्रभु, तो 9 दिसंबर को संप्रभु नहीं थी। ठीक है, तो अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के रूप में संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस टाइम कौन था? उस टाइम राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है बताना है कौन सा सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। चलिए, हाँ पहले ही है सही, तो अब दूसरे कुछ पढ़ना है ही नहीं है इसको। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तो थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ तो नहीं हुआ, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो जी नहीं, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, और इसमें जो प्रांतों के लिए 296 सदस्य लिए गए थे, कांग्रेस के जिसमें 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और 15 अन्य दलों के थे। और ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का संभाला? तो जी बी मामलंकर थे, इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और भारत स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद जी बी मामलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मामलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वो वर्ष 1952 से 56 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जो अंतरिम सरकार का गठन है और संविधान सभा का है, तो वो हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।